तुम्हारा मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ जेके। क्या बकते हो? तुमने सुना नहीं कि जज साहब ने बाइज्जत मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया है? बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ। और तुम्हारी अदालत है कहां? सदर हर्जा के नशीनस्त सदरस्त। शहनशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। सब क्या हो रहा है? जज साहब, आपने जिस आदमी को बाइज्जत रिहा कर दिया था मैं उसे घसीट के दोबारा आपकी अदालत में ले आया हूं। आपने इस आदमी को कत्ल के इल्जाम में आजाद कर दिया है, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि कानून की किताब में कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसने ना किया हो या अपने दोस्तों से ना करवाया हो। मर्डर, रेप, बैंक डकैती, लैंड ग्रैब, इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट अफेयर्स एंड करप्टिंग हाई ऑफिशियल्स। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम इसके बाप होते हैं। नाम है शहनशाह। पेशे में हम भी आप ही की तरह एक जज हैं जो अपने कानून खुद बनाता है, अपने मुजरिम खुद पकड़ता है, उनके मुकदमे खुद सुनता है और फैसले भी खुद ही सुनाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये अदालत की बेइज्जती है। मैं जानता हूं कि ये अदालत की बेइज्जती है। मैं ये भी जानता हूं कि इस आदमी ने अपनी बात कहने का तरीका गलत इख्तियार किया है, मगर इससे बड़ी किसी अदालत की और बेइज्जती क्या होगी जहां इंसाफ अधूरा रह जाए और सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाए। मेरे ख्याल में इस आदमी की बात अगर न सुनी गई तो यह नाइंसाफी होगी। अदालत तुम्हें तौहीन अदालत की सजा देने से पहले अपनी जिम्मेदारी पर तुमको अपनी बात कहने की इजाजत देती है। तो सुनिए, एक मुकदमा जो आप ही की अदालत में पेश हुआ था और आपने एक बेगुनाह बेकसूर पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के इल्जाम में 3 महीने कैद बामुशक्कत की एक सजा सुनाई थी। तुम कैसे कह सकते हो वो इंस्पेक्टर बेकसूर था? आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए, अपने खोए हुए जमीर से पूछिए, अपनी सोई हुई आत्मा से पूछिए जो तब की सोई अब तक जागने में नहीं आई।
अगर अब भी आपको याद ना आया हो तो जरा इस बूढ़ी विधवा की आंखों में झांक कर देखिए। इसके जवान पति ने अपने आप को फांसी लगा ली और इसे उम्र भर चिता की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। इस शहर में बीसियों बरसातें आई आकर चली गई लेकिन इस विधवा की आंसुओं की झड़ी थमने में ना आई। इसके चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो आपके उस फैसले के चाबुक के निशान हैं जो आंख का अंधा और कान का बहरा था। योर ऑनर, आपके उस बहरे कान ने इस औरत का बयान भी नहीं सुना जो आपसे ये कहना चाहती थी कि किस तरह ठेके का हुक्म पिसने वो दो बैग बदल दिए थे। एक बैग जिसमें बैंक डकैती का नक्शा और जेके की रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगु थी जो उसके और बैंक मैनेजर माथुर के दरमियान हुई थी। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा जैसे रोज खुलता है और एन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका? हाँ डाका। डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों बोलो जेकी तुम्हारी आवाज है या नहीं? बोलो नहीं तो मैं तुम्हारी आवाज तुम्हारी छाती के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। हाँ मेरी आवाज है। और अब इसी खूबसूरत आवाज में यह भी बता दूं कि जूली के इस जुर्म के लिए तुमने उसकी मौत का हुक्म दिया था या नहीं दिया था? दिया था। ये बेचारी उम्र भर तुम्हारे छोड़े हुए खूनखार कुत्तों से छिपती रही, बचती रही और अपनी मासूम बेटी को बचाती रही। वो मासूम बेटी जो भूख और गरीबी के दो पाटों में पिसते पिसते चूर हो गई और चोर भी बन गई। और जब वो चोर पहली बार तुम्हें एक रेस्टोरेंट में मिली तो तुमने कहा कि आज तुम्हें पीने के लिए ब्लैक डॉग उसकी चाहिए क्योंकि जब तुम किसी गोरी सफेद तितली को देख लेते हो तो तुम्हारे खून के अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे काले कुत्तों के गले में पट्टे डालने का फन मालूम है। आज हम तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। तमाम काले कुत्ते बाहर निकालकर तुम्हारा गोश्त नोचने के लिए तुम ही पे छोड़ देंगे।